सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं और आप देख रहे हैं डियाडॉग। ये है आपका मी की तरफ से लॉन्च किया गया लेटेस्ट स्मार्टफोन, वो है आपका Mi A3। और इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ यही डिवाइस का कुछ हिडन फीचर्स और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको, जी हाँ, नॉर्मल मी डिवाइसेस की तरह कोई भी MIUI वर्जन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एकदम स्टॉक एंड्रॉयड, क्योंकि ये वाला डिवाइस आपका चल रहा है एंड्रॉयड 1 प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अधिक जानकारी देखने के लिए देखते रहिए वीडियो, उसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया और एकदम फ्री, उसके साथ साथ घंटी भी दबा दो, जो भी एकदम फ्री है। सो दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन पैनल से। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एकदम सिंपलिस्टिक नोटिफिकेशन पैनल है। अगर आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, सिंपली यहाँ पर पेंसिल वाले बटन में दबाइए, उसके बाद यहाँ से अगर आप कोई भी चीज़ चाहे, आप ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर भी आप ड्रैग इन ड्रैग आउट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपना जो नोटिफिकेशन पैनल है उसको आप एकदम सेव करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप देख पा रहे हो, मैंने जितने भी यहाँ पर उठाए सभी यहाँ पर आपका आ गया। तो इस प्रकार से आप नोटिफिकेशन पैनल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप ऐसे ऊपर एकदम करेंगे तब यहाँ पर आपको ऐप ड्रॉयड देखने को मिलेगा, हल्का सा ऊपर करेंगे तब यहाँ पर आपको मल्टीटास्किंग देखने को मिलेगा, तब यहाँ पर आपका एक बैक बटन आ जाएगा। नॉर्मली यहाँ पर बैक बटन नहीं रहता है, यहाँ पर एक ह्यूमन साइन है। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर गूगल असिस्टेंट, एक्सेसिबिलिटी, पावर ऑन ऑफ करना है, अगर वॉल्यूम को अप डाउन करना है वो आप कर सकते हैं, अगर ब्राइटनेस को अप डाउन करना है वो भी आप कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ जो चीज़ें हैं जो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका लॉक स्क्रीन कर सकते हैं, उसके बाद है आपका क्विक सेटिंग्स है, नोटिफिकेशन है, स्क्रीनशॉट अगर आप चाहे तो नोटिफिकेशन पैनल को डाउन करना वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं वन हैंडेडली, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर अगर रीसेंट ऐप को ऑन करना वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से वन हैंडेडली आप बहुत कुछ कर पाएंगे। कहीं पर भी अगर आप प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई देगा, होम स्क्रीन, विजर्ट, उसके बाद है आपका वॉलपेपर। वॉलपेपर यहाँ पर आपको नॉर्मली एक ही आपका वॉलपेपर बाय डिफॉल्ट मिलता है, बाकी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। बाकी अगर देखा जाए यहाँ पर आपको अलग अलग विजर्ट्स देखने को मिलता है जो एकदम बेसिक्स है, कोई भी एड ऑन नहीं है। उसके बाद आप जा सकते हैं होम स्क्रीन में, यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन डॉट, इसको आप ऑन कर सकते हैं, मतलब जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा वहाँ पर आपका ऑन हो जाएगा, तो वो चीज़ आप इनेबल करके रख सकते हैं। उसके बाद साउंड भी यहाँ पर आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एट ए ग्लांस ऑन योर होम स्क्रीन, ये वाला आप रख सकते हैं। डिस्प्ले गूगल ऐप्स अगर आप चाहे तो डिस्प्ले कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ऐप सजेशन चाहिए कि नहीं वो आप इनेबल कर सकते हैं। अलाउ होम स्क्रीन टू रोटेट, उसको ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। जब भी आप स्क्रीन को आप घुमाएंगे तब ये ऑटोमेटिकली ऐसे चला जाएगा, विच लुक्स लाइक ए डेस्कटॉप। इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, विच इज़ वेरी फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव। जब भी लॉक हो जाएगा यहाँ पर, जैसे आप देख पा रहे हो फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है, इसको प्रेस करते ही ये आपका अनलॉक हो जाता है। खाली यही नहीं, अगर आप चाहे तो इसको आप बोथ हैंड से अनलॉक कर सकते हैं। जी हाँ, लेफ्ट हैंड राइट हैंड काफ़ी स्टूपिड है। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर वर्क्स प्रीटी फाइन। अगर फेस अनलॉक देखा जाए तो जैसे आप देख पा रहे हो इंस्टेंटली अनलॉक हो जा रहा है, लेकिन अनलॉक होने के बाद ये जो होम स्क्रीन है ये आ जा रहा है। तो इसको अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं अनलॉक, तब आपको डायरेक्टली जाना पड़ेगा सेटिंग्स के अंदर, उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर सिक्योरिटी एंड लोकेशन, उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा फेस अनलॉक ऑन है, उसके बाद आपका जो भी पैटर्न है वो डालने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा स्टे ऑन लॉक स्क्रीन आफ्टर अनलॉक, इसको आप डिसेबल कर दो। जब भी आप डिसेबल कर देंगे फेस अनलॉक, जब भी आप ऑन हो जाएगा ये डायरेक्टली आपका खुल जाएगा। तो वो वाला जो ऑप्शन है होम स्क्रीन वाला ऑप्शन आएगा। फेस अनलॉक जहाँ तक मैंने देखा है, विच इज़ बहुत फास्ट नहीं है, मुझे ठीक ठाक लगा, लेकिन जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो मुझे काफ़ी फास्ट लगा। इस डिवाइस में मल्टीटास्किंग भी काफ़ी आसान है, सिंपली आप यहाँ पर आ जाओ विच इज़ दिस, और इसको ऐसे दाएं बाएं करके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो इट्स वर्क्स लाइक ए स्लाइडर विच लुक्स प्रीटी गुड। और अगर आपको स्प्लिट स्क्रीन करना है, सिंपली आप कुछ मत करो, यहाँ पर जो भी आइकॉन्स है वो आइकॉन के ऊपर यहाँ पर टैप करो, यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन ऐप इन फॉर पिन आ जाता है। मैं जब भी स्प्लिट स्क्रीन करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली स्प्लिट स्क्रीन में हो जाता है, उसके बाद मैं मल्टीपल ये जो एप्लीकेशन है वो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये वाला ऑप्शन काफ़ी बढ़िया, अगर पसंद नहीं है इसको आप ऐसे कर दो तो वो वाला हट जाएगा। तो स्प्लिट स्क्रीन इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, सिंपली वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड कीजिए, तब अगर आप चाहे तो ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले पाएंगे जो आपके गैलरी में बाय डिफॉल्ट सेव हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट गूगल वॉइस असिस्टेंट इस्तेमाल करना है, ये होम बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखिए, डायरेक्टली आप गूगल असिस्टेंट इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस डिवाइस में आपका स्क्रीन मिररिंग मतलब मीरा कास्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। सिंपली डायरेक्टली जाओ आप नोटिफिकेशन पैनल पे, उसके बाद यहाँ पर आपका कास्ट स्क्रीन का ऑप्शन है। कास्ट स्क्रीन ऑप्शन आप आराम से इनेबल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपका गूगल स्टूडियो स्पीकर है तो डायरेक्टली मैं उससे कनेक्ट कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं अगर चाहूँ तो इनेबल वायरलेस डिस्प्ले कर सकता हूँ। इनेबल वायरलेस डिस्प्ले जैसे आप देख पा रहे हो मेरे घर में जो स्मार्ट टीवी है उससे भी मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन को कनेक्ट करके अपना फ़ोन का स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ अपने टीवी के साथ। नोटिफिकेशन पैनल में यहाँ पर आपका बैटरी परसेंट शो नहीं करता, उसके लिए आपको नोटिफिकेशन पैनल को डाउन करना पड़ेगा तब भी यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आप चाहते हैं तो हमेशा बैटरी परसेंटेज दिखना, सेटिंग से जाओ, बैटरी में जाओ और यहाँ पर देख लो बैटरी परसेंटेज जिसको आप इनेबल कर दो। जब भी आप इसको इनेबल कर दोगे बैटरी परसेंटेज स्टेटस ऑन, ये बार यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो बैटरी परसेंटेज शो कर रहा है। जो नोटिफिकेशन पैनल है वो जनरली आपका बाय डिफॉल्ट वाइट आता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसका कलर ब्लैक भी कर सकते हैं। कैसे, वो है आपका डार्क मोड। डार्क मोड आप इनेबल कर सकते हो, उसके लिए सेटिंग्स में जाओ। सेटिंग्स में जाने के बाद चले जाओ डिस्प्ले में, उसके बाद आ जाओ एडवांस में। एडवांस में आने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है डिवाइस थीम, जो ऑटोमेटिक बेस्ड ऑन वॉलपेपर वो रख सकते हैं, लाइट है या फिर डार्क रख सकते हैं। जब भी आप डार्क रखेंगे ये जो नोटिफिकेशन पैनल है ये आपका डार्क हो जाता है, बाकी और कुछ भी डार्क नहीं होता है। ये काफ़ी सरप्राइजिंग है, मैंने सोचा शायद पूरा ही नोटिफिकेशन जो है वो या फिर सेटिंग्स जो है वो डार्क हो जाएगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। अगर आप अंधेरे में अपना फोन इस्तेमाल करते हैं तो नो डाउट आप नाइट मोड का इस्तेमाल कीजिए, जो नो डाउट काफी अच्छा होता है। नाइट मोड डायरेक्टली आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहां पर नोटिफिकेशन पैनल से। अगर आपको नहीं इस्तेमाल करना है प्रेस एंड होल्ड करके आप डायरेक्टली जा सकते हैं, या फिर आप जा सकते हैं और एक उपाय से, वो है आपका सेटिंग्स, उसके बाद है आपका डिस्प्ले, उसके बाद है आपका नाइट लाइट। नाइट लाइट को अगर आप चाहे तो ऑन ऑफ कर सकते हैं, और इसका जो इंटेंसिटी है उसको भी आप बढ़ा के इस्तेमाल कर सकते हैं आपके आंखों के राहत के लिए। बहुत किसी ने मुझे पूछा है कि इस डिवाइस पे मतलब मी A3 में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट है कि नहीं। जनरली एमोलेड डिस्प्ले में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले होता है, लेकिन इस डिवाइस में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है कि नहीं, जैसे आप देख पा रहे हो। जी हाँ, ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, थोड़ा चेंज करते हैं इसको। जी हाँ, ये भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मतलब एनालॉग भी रख सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से डिजिटल भी रख सकते हैं। देखने में बढ़िया लग रहा है ना, लेकिन इसका एक दिक्कत है। ये दिक्कत ये है, ये बेसिकली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं है, इसको आप बोल सकते हो स्क्रीन सेवर। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले में, और यहाँ पर एडवांस के अंदर आपको मिल जाता है स्क्रीन सेवर, जिसको आप ऑप्शनली ऑन रख सकते हैं। हमेशा ऑन नहीं रखेगा, या फिर चार्जिंग के टाइम में या फिर डॉक्टर टाइम पे अलग अलग टाइम पे ये आपका ऑन रहेगा, ये हमेशा ऑन नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हैं तो देखना, आप डायरेक्टली ऐसे आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया। और अगर आप चाहे तो एनालॉग और डिजिटल कुछ भी चीज़ यहाँ पर आप इनेबल कर सकते हैं। दिक्कत ये है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मुझे अभी तक नहीं मिला है मी A3 में, तो ये एक दिक्कत है। और आई थिंक जो लोग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पसंद करते हैं वो लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होंगे। अरे स्टॉक एंड्रॉइड तो क्या हुआ, यहाँ पर ही आपको एक दो जेस्चर मिल ही जाता है। जी हाँ, हमेशा हम लोग चिल्लाते हैं स्टॉक एंड्रॉइड, लेकिन स्टॉक एंड्रॉइड में बहुत कुछ नहीं रहता, वो भी चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली सेटिंग्स में जाओ, उसके बाद आप चले जाओ सिस्टम में। सिस्टम में जाने के बाद यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो जेस्चर मिल जाता है, तो एक जेस्चर क्या है, जंप टू कैमरा। कैमरा जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पावर बटन को दो बार दबाना पड़ेगा। दो बार पावर बटन दबाएंगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, तो इसको आप इनेबल करके रख सकते हैं। दूसरा है प्रिवेंट रिंगिंग ऑन वाइब्रेट, तो प्रेस पावर बटन और वॉल्यूम बटन टुगेदर। सो अगर आप चाहते हैं कि एग्जैक्टली आपका फ़ोन है तो अगर आप चाहते हैं तो फ़ोन रिंग हो रहा है उसको वाइब्रेट करना, सिंपली पावर अप और डाउन बटन को दोनों को प्रेस करके रखिए, वो ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो जाएगा। जी हाँ, ऐसे ही तो आपका लिखा है। तो जो भी आई डोंट नो ये वाला ऑप्शन वैसा कुछ यूजफुल है कि नहीं, लेकिन जेस्चर है। हमेशा क्या, तो आप जब किसी को फ़ोन देते हो वो जो चीज़ के लिए लेता है उसके अलावा भी और भी बहुत कुछ चेक करता है, इसीलिए आप इस्तेमाल करो स्किन पिनिंग। स्किन पिनिंग में आप कैसे जाओगे, कोई भी एप्लीकेशन आप खोल लो, फॉर एन एग्जांपल कोई अगर आप चाहते हो तो वो खाली प्ले स्टोर ही चेक करें, खोल लो। खोलने के बाद आप ऐसे मल्टीटास्किंग में जाओ, यहाँ पर टैप करो ऊपर और यहाँ पर आपका पिन। जी हाँ, गॉट इट। अभी क्या होगा, जो भी लेगा ना वो वाला फ़ोन, वो लॉक करे या फिर अनलॉक करे वो यही खुलेगा। बैग, ये सभी चीज़ अगर यहाँ पर भी हम लोग जाते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम असिस्टेंट में जाते हैं तो ये असिस्टेंट भी जनरली काम नहीं करेगा, क्योंकि आप स्क्रीन पिनिंग में है, तो पिनिंग में जनरली वो बंदा कुछ भी नहीं कर पाएगा। अभी पिनिंग से निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैक बटन और होम बटन दोनों को प्रेस एंड होल्ड करके रखना पड़ेगा, तब ये लॉक स्क्रीन पे आ जाएगा। अगर इस ये भी उसको पता है फिर भी वो खोल नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर या फिर फेस अनलॉक का ज़रूरत है तभी वो खोल पाएगा। तो ये वाला ऑप्शन काफ़ी यूज़फुल होता है। अगर आप अपने बैटरी को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया गया है। आप सेटिंग्स में जाओ, उसके बाद आप चले जाओ बैटरी के अंदर, और यहाँ पर आपको मिल जाता है एडेप्टिव बैटरी। जैसे एडेप्टिव डिस्प्ले होता है, यहाँ पर आपका एडेप्टिव बैटरी का ऑप्शन है, तो इसको आप इनेबल या फिर डिसेबल करके रख सकते हैं। ये आपके बैटरी के हेल्थ को काफ़ी अच्छे से मेंटेन करेगा और बैटरी का परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा।
यहाँ पर आपको शॉर्टकट या फिर आप बोल सकते हो 3D टच का फीचर मिलता है। कोई भी एप्लीकेशन में प्रेस एंड होल्ड करो तो डायरेक्टली उस एप्लीकेशन के अंदर कुछ कुछ चीज़ को आप एक्सेस कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन है जनरली यहाँ पर आपके अवेलेबल, लेकिन सब में यहाँ पर आपके अवेलेबल नहीं है। कुछ कुछ चीज़ में अवेलेबल है, कुछ कुछ चीज़ में अवेलेबल नहीं है। तो ये वाला सुविधा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको आप बोल सकते हो 3D टच ऑप्शन। बहुत किसी ने बोला है मुझे कैमरा में डायरेक्ट ऑप्शन है कि नहीं 48 मेगापिक्सल का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं है, वही पुराना वाला ऑप्शन है। यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा और यहाँ से आप ऐसे 48 मेगापिक्सल कैमरा इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आई थिंक जैसे पहले डिवाइसेज में शामिल भी नोट 7 प्रो में उन्होंने चेंज कर दिया था, यहाँ पर ही डाल दिया था। होपफुली इस बार भी वो लोग करेंगे। फॉर द टाइम एक डायरेक्ट एक्सेस तो नहीं है। सो गाइज, ये है आपका कुछ हिडन फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स। जैसे मैं आपको बता रहा था, कस्टम UI होने से आपको बहुत सारा एड ऑन ऑप्शन मिलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप स्टॉक एंड्रॉयड चाहते हैं, जी हाँ, काफ़ी फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव आपको तो UI मिलता है, लेकिन वहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ कस्टमाइजेशन या फिर ज़्यादा कुछ एड ऑन या फिर हिडन फीचर्स देखने को नहीं मिलता। तो ये कुछ कुछ चीज़ें मुझे मिला जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप कोई भी आपके पास Android 1 डिवाइस है, या फिर अगर आप MI A3 ले रहे या फिर लेने वाले हैं, तो डेफिनेटली ये वाला चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको इस डिवाइस के बारे में और भी कुछ जानकारी लेना है, डू राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एज आई कैन। उसके साथ साथ इस वीडियो में अभी तक लेता है। दिस इज योर होस्ट, मैं साइन ऑफ फ्रॉम डाटा, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।